हरि बोल हरे कृष्ण, हरि बोल हरे कृष्ण। ओम ज्ञान नितिन विराम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तुतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुनैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबुधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्य नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त प्रियराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रजदेवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रोग सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कोई आंख बंद मत क्या करें, एकदम चंगा होकर बैठो, क्योंकि 10-20 आधा घंटा कथा होती है। एकदम नहीं सुनेंगे तो कथा में सुनने पर फिर अजगर जन्म लेना पड़ता है, अजगर सांप का जन्म होता है अगर कथा में जो सोचते, इसलिए एकदम आंख नहीं बंद करें। देखो पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, लोगों का दो तरह का प्रकृति है, क्या क्या है बोलो क्या स्वर्ग याद कैसे नहीं कहते, एक वैधिक प्रवृत्ति और एक रागानुगा प्रवृत्ति। कहते वैधिक प्रवृत्ति किसको कहते हैं, प्लस शास्त्र के शासन के अनुरूप जो भजन करते हैं। जैसे शास्त्र कहता है देखो ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में मिला है, अगर ये जीवन पा करके भगवान की भजन नहीं किया तो फिर वही 84 लाख जीवन में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी जीवन में जाओगे और दुख कष्ट पाओगे, पेड़ पौधा होकर जन्म लोगे दुख कष्ट पाओगे। इसलिए क्या करो, ये मानव 84 लाख जीवन बाद में मिला, भगवान बारंबार देते नहीं, इसलिए क्या करो जितने जल्दी से जल्दी हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन में लग पड़े। इसलिए शास्त्र का शासन से और भय से जो भजन करते ही कभी ये वैधि प्रवृत्ति है विधि के अंदर, और एक होता है रागानुगा प्रवृत्ति। रागानुगा प्रवृत्ति मतलब क्या, जिसको स्वाभाविक रूप में भगवान के चरण में जिनको प्रेम है, इष्ट स्वार्थ परम आविष्टता होती है। इसलिए अपना इष्ट में अपने आप जो मन लग जाता है उसमें रम जाता है, मन को बिना बोले हुए जो अपने आप मन प्रभु के चरण में लग जाती है, कहते इसको रागानुगा प्रवृत्ति कहती है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति जीवन में बड़ा दुर्लभ है, ये वस्तु साधारण वस्तु नहीं, लोगों का तो साधारण रुचि संसार में हो जाता है, लेकिन ये भगवान में लगाने के लिए बड़े कष्ट करना पड़ता है, हैं बड़े कष्ट। इसलिए हम सवेरे आने करने से पहले से गंगे से जमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अश्विनी सरनिधि गुरु नमा अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवाज स्मरे पुनरिकाक्षम सभा मंत्र का आह्वान करके आचमन करके
फिर हम लोग तिलक को स्थापन करके फिर हम गुरु मंत्र जप करने के लिए बैठते, तभी सो जाते, तभी उसमें भी सो जाते हैं, और नहीं तो मन कहीं भाग जाता है, बेटा बेटी नाती पोती वगैरह, तभी मन भजन में नहीं लगता है, हैं? इसलिए कहते ये अभी भगवान सोच रहे हैं भैया इनका मंगल कैसे हो। कहते मंगल प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, कहते बिनु सत्संग विवेक ना हो और राम कृपा बिनु सुलभ ना से। जीव का तभी कल्याण होता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगे। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को, सौभाग्यवान मतलब पूर्व जन्म में जो भक्ति उन्मुख सुकृति जिन लोगों ने अर्जन किया है उसको ही जीवन में साधु संग मिलेगा, शब्द साधु संग नहीं मिलता है। बड़े सौभाग्यवान संसार का दुख कष्ट जब समाप्त होने आता है और ये संसार में हमें दुख कष्ट भोगना नहीं, बोले तहिर अच्युत सत्समागम, तभी जीवन में भक्तों का संग मिलेगा। असत समागम जहीर परावरेश जाए तो ही रह, जब साधु संग मिलेगा, अरे साधु संग से प्रभु की भक्ति की कथा सुनेंगे, फिर समझ करके प्रभु का भजन में कर लेंगे, फिर प्रभु की भक्ति में हम लग सकते हैं। इसलिए अभी साधु संग के बगैर जीव का कल्याण नहीं। अभी हमारे पिता कौन है, बोले भगवान कृष्ण, तुम्हें वह माता चो, हर पिता माता बच्चे का कल्याण सोचते हैं, बच्चे का कल्याण कैसे, मंगल कैसे। अभी भगवान हमारी कल्याण सोच रहे हैं, इनका कल्याण हो तो हो कैसे कल्याण, ठाकुर जी सोच रहे हैं हमारी कल्याण कैसे होगा। कल्याण तभी होगा जब प्रभु की भजन में हमारी वृत्ति प्रभु की भजन में लगेगी, तभी तो कल्याण होगा ना, नहीं तो कल्याण होगा ही। अभी प्रश्न ये होता है प्रभु के चरण में हमारा मन लगे तो लगे कैसे, ये कौन सोच रहे हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं। ये जीवों का कल्याण कैसे होगा, ठाकुर जी सोच रहे हैं, हैं? ठाकुर जी सोच रहे हैं। इसलिए जीव का कल्याण तभी होगा अगर किसी कारण से अगर ये शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण को पढ़े तभी इनका कल्याण होगा। हर शास्त्र पढ़ो, हर शास्त्र में एक ही चीज मिलेगा, जीवन दुर्लभ बारम्बार मिलते नहीं, जीवन पाकर भजन करो, मातृगर्भ में भगवान से तुमने कसम खा कर गाया, 7 महीना होने पर जब देखा सर नीचा और टांग लटका हुआ है और तो टाटी पेशाब का थली में पड़ा हुआ हो, बड़े दुख कष्ट भोग कर रहे हो, कृमि कीड़े काट रहे हैं, मैया जो नमकीन मिर्च चीज खाती है कृमी चीज वो भी बच्चों को शरीर में कष्ट देता है, जब तुमने इतने कष्ट भोग किया तुमने, बोले प्रभु हमको ये नरक नहीं आनी चाहिए, हमें संसार से उद्धार करो, पूर्व पूर्व जन्म में मैं तो कितने गलत गलत काम करके मैंने पैसा कमाया, परिवार को भरण पोषण किया, वो सबके सब कहाँ हैं, ये सबके सब सुख का समय तो सब थे, दुख का समय तो कोई नहीं आ रहे हैं, अभी तो अपना कर्म का फल ही हमें भोगतना पड़ रहा है। इसलिए भगवान को पुकार कहाँ है, फिर भगवान कहते बताओ क्या करोगे, बोले एक बार हमें जन्म दे दो, फिर जन्म होगा तो कभी भी ये झूठे संसार में फंसूंगा नहीं, उठते बैठते सोते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए तभी जीव का कल्याण हो सकता है, जब ये सब कथा को सुनता है ना, फिर जीव को चलिया ये जीवन पाल प्रभु का भजन करो, समय को इधर उधर से मत बिताए करो, प्रभु के भजन में लग पड़ो, अगर एक जीवन अगर हम प्रभु के भजन में लग गए तो हमारे बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए भजन में। लेकिन होगा तो जो शास्त्र में पड़ेगा, इसलिए भगवान ने क्या किया, कभी ये ग्रंथों को रचना करना पड़ा, ग्रंथों को जगत में सृष्टि करना पड़ेगा। इसलिए श्री व्यास देव जी ने जीव का कहते भक्ति जोगेन सम्यक प्रणीता मले अपस्यम पुरुषम पूर्णं माया चित्त अपाश्रय, जब श्री व्यास देव भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन को देखा और कैसे देखा, ये जीव कैसे भगवान से विमुख होकर के
ये संसार का विषय भोग करने जा रहे हैं और मैया माया डंडा मार रहे, माया क्या कर रहा है उसको डंडे के ऊपर डंडे मार रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, जितने डंडे भले ही तुम संसार में नहीं पड़े लेकिन जीव का संसार से वैराग्य नहीं हो रहा। अब देखना जितने संसार में दुख कष्ट आता है, सभी का सेवा करके, सभी का गाली गलत सुनना पड़ना है, सभी का अपमान, लेकिन और ज्यादा आसक्ति, और ज्यादा आसक्ति होती जाता है। बोले भैया इसका कल्याण नहीं होगा, इतना डंडा खा कर भी कल्याण नहीं होगा इसका। फिर क्या करना पड़ेगा, जब तक ये जीव भगवान की भजन में उन्मुख नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं है। जैसे यहाँ से जैसे अब देखना, जैसे सूरज इसी तरफ भी उदय होता है, आप इस तरफ में जितने जाओगे क्या होगा, सूरज आपको उतने तरफ से दूर होते जाएगा, दूर होते जाएगा। लेकिन जितने इस तरफ पे जाओगे उतना ही सूर्य का निकट में उतना ही जा सकते हो। तो उसी तरह भगवत प्राप्ति की, संसार की माया से मुक्ति पाने का एक उपाय ही, क्या उपाय है, भगवान की कथा सुनो, हरिनाम करो, कीर्तन करो, रसोई बना के ठाकुर के लिए भावना सोच कर करो, घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म का दरबार में झाड़ू लगा रहे। देखो जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कहीं किसका पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया तो कांटा निकालने के लिए क्या करते हैं, और एक कांटा को लाते हैं, है ना, ला करके फिर कांटा को फिर निकाल कर दोनों कांटा को फिर फेंक देते हैं, है। इसलिए एक कांटा हमारी गिर गई, बोले कौन सा कांटा, बोले माया की कांटा, माया की कांटा गड़ गई, गड़ गई तो अभी इसको निकालना पड़ेगा। बोले कैसे, बोले और एक कांटा ला, और एक कांटा ला मतलब क्या, भगवान के भजन करो। जैसे आप लोगों ने मंगला आरती में आए हैं, कितना बजे उठे हो, कम से कम तो 4 बजे उठाए होगा, उसको पहले 3:30 बजे 3:30 बजे उठे, नहाए धोए, नहा धो करके फिर मंगला आरती में आए करके, यहाँ पर कितना 2 घंटा करके, 2-2.5 घंटा समझो सब तब से लेकर लगेगा। लेकिन अगर इधर जो 2.5 घंटा दे दिया, इस समय क्या संसार का बंधन रात में, माया की कोई चिंता रहा ही नहीं, क्योंकि मंगला आरती में जाना है, चिंतन वही है, तिलक लगाओ और प्रभु की मंगला आरती में आओ, आरती हो गई, कथा सुना, उसके बाद में फिर मंदिर साफ किया करके फिर गए। देखा 2-2.5 घंटा संपूर्ण भगवत चिंता में लगा रहा, जितना प्रभु की चिंता में तुम्हारी लगी रही बस माया तो उतना दूर तुम दूर हो, अपने आप दूर हो, माया से दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब एक भक्ति का एक नियम बना लो, जब भक्ति का नियम बनाओगे ये नियम अपने आप छूट जाएगी। अगर भक्ति का नियम नहीं बनाओगे तो फिर तुम माया में पड़े रहो, फिर कीचड़ में पड़े रहो। इसलिए क्या नियम बनाओ, भक्ति की नियम बनाओ, इतने हरिनाम करना, इतने माला करना, ठाकुर का सेवा करना, ठाकुर जी आरती करना, बस उसी में ही मन ये लगा रहेगा। अगर इसमें कोई नहीं लगाएगा, माया 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 के छूटे, माया उतना ही माया जकड़ पड़ेगी, माया तुम्हें उतना ही जकड़ेगा। इसलिए इधर का नियम बना, बात जैसे एक कांटा से दूसरे कांटा को निकाल दिया, इसलिए एक कांटा क्या भक्ति का नियम कांटा, दूसरी कांटा माया की, ये माया तभी छूट जाएगी जब प्रभु की भक्ति का नियम बना लो, बस इतना हरिनाम करना, भक्ति करना खत्म हो जाएगी, है खत्म हो जाएगी। इसलिए ब्यास देव जी ने देखा, भैया इसको पिटने से कल्याण नहीं, इसको मारने से कल्याण नहीं, क्या कल्याण है, इसको प्रभु की भजन में लगाने पर कल्याण है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जीव की कृपा करने के लिए फिर उन्होंने ये भागवत वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ बनाए, बोले ग्रंथ को जीव पढ़े पढ़ करके। इसलिए गांव गांव में पहले क्या होता था, हम लोग शहर में रहे, गांव गांव में, हम जिस गांव में रहे, पहले ये टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, लोग उसमें नहीं लगे रहते थे। अभी इसमें भगवान कथा जो आती है, कथा जो सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन अक्सर कभी ज़्यादा तो उसमें लोग बिगड़ते हैं ना, अच्छे चीज़ में अच्छी चीज़ पता लगते नहीं, उल्टा पुलटा चीज़ देख कर बुद्धि उनका भ्रष्ट होता है। लेकिन पहले कुछ नहीं होता था, गांव गांव में टोली होता था, हमने जो बचपन में देखा, कहीं रामायण पढ़ाई हो रहा है, कहीं महाभारत, कोई भागवत पढ़ रहे हैं, सब गांव गांव में शाम का समय में सब लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति पढ़ता है रामायण मतलब भागवत पढ़ता था। हम भी बचपन में हम भी बैठते थे, बैठ कर सुनते थे, हैं भगवान क्या कह रहे हैं, भागवत क्या कह रहा है, गीता क्या कर, हम सुनते थे, सुनते 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 हमारी रुचि भगवान के भजन में हुआ, एक दिन प्रभु का भजन में आ गया। इसलिए भगवान ने देखा इसका कल्याण तभी होगा ये शास्त्र ग्रंथों को अगर पढ़ेगा। इसलिए जीव के कल्याण करने के भगवान ये वेद पुराण उपनिषद रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं।
प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवत कृपा प्रसन्न शास्त्र स्वरूप जनेऊदय होकर के सर्व साधारण के लिए सर्व प्रकार की आज्ञा विषय की प्रचार किया। इसलिए भक्तों का हृदय में, श्री व्यास देव का हृदय में बाद भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ ग्रंथ बोलो, मनुष्य क्या है, हैं इनका ग्रंथ मनुष्य क्या, मुक्ता चरित्र चरित्र, और इनका ग्रंथ है विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल मणि हैं आदि बहुत बहुत सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया। सनातन गोस्वामी बृहत भागवत अमृत को, जीव गोस्वामी सठ संदर्भ आनंद वृंदाव, गोपाल चंपू आदि ग्रंथ को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत, वृंदावन दास चैतन्य भागवत के ग्रंथ को उन्होंने कृपा करके आज हृदय में भगवान की जो शुद्ध भक्तों का हृदय में ये भगवान कथा रूपी सूर्य जैन के हृदय में प्रकटित हो, और प्रकटित होने पर उन्होंने क्या किया, भगवत कृपा से उन्होंने शास्त्र रूपी सूर्य को उन्होंने साधारण जीव की कल्याण करने के लिए क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए कहते इसी जगत में शास्त्र रूपी सूर्य को उन्होंने उदय किया। इसलिए कहते कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अत अर्जुना। इसलिए भगवान जगत छोड़ करके चले जाने पर भागवत रूपी सूर्य जगत में उदय हुआ। सूर्य उदय होने से क्या होता है, चोर का डर चले जाता है, रात में तब चोरी होता है, रात में ये चोर का डर चली जाती है और भूत पिशाच का डर चली जाती है, हैं फिर दिन होने पर लोग चला बुला कर कलना करने लग जाते हैं, इसलिए जीव के अंदर से सब डर भय चली जाती है और उजाला उजाला हो जाता है। लाइट की कोई जरूरत नहीं, लाइट की कोई जरूरत नहीं है, पहले तक अभी तो रोड रोड में लाइट पहले कुछ नहीं होता था, अंधकार होता था, सूर्य उदय होगा तभी प्रकाश होगा है। इसलिए कहते हैं सूर्य रूपी शास्त्र रूपी सूर्य जगत में प्रकाश प्रकटित होकर क्या किया, जीवों को अपना है कहते जीवों के लिए आज्ञा विधियों का प्रचार किया, उन्होंने आज्ञा दिया विधियों को उन्होंने प्रचार किया। इसलिए सर्वप्रथम कहते ये वेद शास्त्र प्रकट हुआ। वेद मतलब क्या, बोले वेद यति इति वेद, वेद मतलब जानाना, जो भगवान को जानाते हैं इसका नाम वेद है। लेकिन ये वेद में उसमें अलग 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 बात बताया है, बोले क्या बताया है कहते वेद का कुछ भाग में पढ़ोगे तो कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया है, अपना सब लोग तो कर्म करो, क्या करो कर्म करो कर्म करो, सब कहते कर्म करो, कर्म किसको कहते हैं, कहते मन और वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा हम जो कुछ कहते हैं ये कर्म है। और किसके लिए कर्म है, कहते एक साधारण कर्म है कि भक्ति का कर्म है, लेकिन जो साधारण कर्म अपना घर गृहस्थ दुनियादारी, इसलिए इनको कहते गृह में भी और गृह प्रत, घर ही सब कुछ है, एक बेटा बेटी नाती पोती से उसको ऊपर कुछ है नहीं, भगवान नाम से कोई चीज नहीं, केवल खाओ पियो जन्म लो और मर जाओ, संसार से मर जाओ हैं। इसलिए अपना सुख के लिए दिन भर अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ करते उसको कर्म कहते। इसलिए किसी वेद का कुछ भाग में कर्म का बात बताया गया और कुछ भाग में यहाँ पर ज्ञान की भी बात बताई गई है, कभी ज्ञान की बात। इसलिए ज्ञान बोले तीन तरह का है, तत्प्रदात्त तम पदार्थ और एक ब्रह्म साजुज्य ज्ञान है। इसलिए भगवत संबंधी है कहते जीव संबंधी ज्ञान, और जो जीव चाहते ही भगवान ब्रह्म ज्योति में हम जाकर लास्ट में हम लीन हो जाए कहते ये है। किसी भाग में ये सब बात को बताई गई है और कुछ भाग में कहते प्रीति रूपा भक्ति की उपदेश दिया। वेद का कुछ भाग में बताया गया नहीं, भगवान को प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, करना तो भगवान के लिए खाओ, खाओ तो उसकी प्रसाद पाओ, सो तो उनके लिए करो, जो कुछ करो जत करो से जत स्नासी जस दुधस जदात जत जत तपस्सु कौंते तत्पुरुषम मदर्पणम। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो कुछ करो मेरे लिए करो, मेरे को सब कुछ अर्पण करो, मेरे लिए सब कुछ। इसलिए यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्मबंधन, भगवान को छोड़ करके कुछ भी कर्म करोगे बंधन का कारण बने। इसलिए करो, करने के लिए मना नहीं, लेकिन किसके लिए, ठाकुर के लिए सब कुछ करो। इसलिए वेद का कुछ भाग में भगवान की प्रीति रूपा भक्ति भी
के किसी भाग में प्रीति रूपा उपदेश दे गया। लेकिन माया मुग्ध जीवों की अनेक अवस्थाएं। अभी प्रश्न है, तब वेद में तो एक ही बात बोल देते हैं ना, भगवान की भक्ति करो, भक्ति के सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं, इससे ही जीव का कल्याण। और इसमें तो डायरेक्ट बोल सकते थे, पर इसे अलग अलग बात बोलने का क्या जरूरत था। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जगत में हर तरह का लोग है। कुछ जगत में ऐसे लोग को देखा एकदम मूर्ख है, जिनकी शास्त्र ग्रंथ साहित्य में कोई मतलब नहीं है, केवल खाओ पी और मर जा है, इसको कहते हैं मूढ़ व्यक्ति, ये मूर्ख है। जगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम मूढ़ व्यक्ति, उनको कहते हैं मूढ़ है, जो शरीर के सिवाय अपना गृह मैथि गृह व्रत, जिसने अपना घर को ही कुंटा गार करके बास उसी में ही रंग रहते हैं, इसके सिवाय भगवान भगवान कुछ नहीं, कहते ये सब के सब मूढ़ है। इसलिए भगवत गीता में मूढ़ किसको बताया, भगवत गीता में मूढ़ किसको बताया, बोले जो भगवान के भजन नहीं करते। इसलिए कहते हैं चतुर्विधा भजते माम, और एक श्लोक है न माम दुष्कृते न मूढ़ प्रबद्धते न राधमा माया अपरहृत ज्ञान आसुर भाव मासत है। कहते चार तरह का लोग मेरे भजन करेंगे, कहते वो चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन नहीं करेंगे। तो चार तरह का व्यक्ति कौन भजन करेगा कौन नहीं करेगा, तो भगवान कहते हैं न माम दुष्कृति न, जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में जिनका बहुत पाप कर्म किया उनका मन देखना प्रभु का भजन में नहीं लगता। देखो पड़ोस में कितना लोग, मंदिर में कितने लोग आते हैं, बताओ घर में बैठ कर क्या टीवी देखते होंगे, दुनियाभर की बात करते होंगे, इधर उधर लड़ाई झगड़ा में लगे होंगे, लेकिन चलो भैया थोड़ी सी जाकर कथा सुन कर क्या प्रभु का कीर्तन हो रहे करके कौन कितना लोग आते नहीं आते, क्यों, जो पापी लोग हैं सब सब पापी लोग हैं इसलिए नहीं आते। इसलिए बोले न माम दुष्कृति, दुष्कृत मतलब जो पाप है पूर्व जन्म जिनकी पाप है, कहते ऐसे व्यक्ति कौन बोल, जिसमें मूढ़ा, कहते मूर्ख एक नंबर मूर्ख है जो मेरा भजन नहीं, उसने मूढ़ा प्रपद्धन के नराधमा है, कहते प्राणियों में नरम में जो सबसे अधम वो मेरा भजन नहीं करेगा। कहते मायाम अपरहृत ज्ञाना, मतलब माया जिनकी बुद्धि वृत्ति एकदम नष्ट कर दिया वो मेरी भजन नहीं करेगा, बोले राक्षस। इसलिए जो राक्षस प्रकृति का लोग है उनको भजन में मन नहीं लगेगा। लेकिन कौन भजन में भजन करेगा कौन, बोले चतुर्विधा भजते माम, बोले चार तरह का व्यक्ति मेरे भजन करेंगे हैं, बोले कौन है, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृत न अर्जुन, जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में जिनको अच्छे सुकृति किया है हैं, भगवान उद्देश्य में वैष्णव उद्देश्य में भक्ति के उद्देश्य में बहुत कुछ किया वो सुकृतिवान है। बोले सुकृतिवान है कौन, बोले अर्जुन ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी आरती आर्तमे अर्थार्थी पैसा के उद्देश्य में है, कहते चार तरह का व्यक्ति मेरा भजन करेगा कौन, आर्त आर्त मतलब दुख में पढ़ करके, दुख में जो पढ़ करके मेरा भजन कोई करता है, जैसे उदाहरण दिया गजराज ने, जब उसको मगरमच्छ पकड़ लिया खींच करके ले जा रहा था, जब नाक डूबने लग गया अभी तक तो कोशिश किया बचाने के लिए, जो नाक डूब जाएगा तो मर जाएगा, उनने कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया है। लेकिन संसार में देखना, संसार में सब दुखी है, संसार कौन सुखी बता, संसार में तो कोई सुखी है ही नहीं, संसार में सब दुखी है, लेकिन फिर ये भजन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भजन क्यों नहीं कि दुख में प्रबल हो, कहते नहीं, अगर तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार होगा तभी प्रभु याद आएंगे, नहीं तो प्रभु याद नहीं आएंगे। इसलिए हाथी को याद किस लिए आया, कारण है पूर्व जन्म में ये इंद्रदम्न राजा थे, कभी अगस्त ऋषि इनके आश्रय में आए और इन्होंने ऋषि को सम्मान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अभिशाप दे दिया, जब हाथी जैसे तुम्हारे व्यवहार है तो हाथी बन गया है, उनको अभिशाप दे दिया। उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, भले अपराध तो क्या माफ़ी भी मांगा है, अरे लेकिन तुम जो भजन कर रहे हो ना भजन नष्ट नहीं होगा, फिर तुमको ठाकुर उद्धार करेंगे, इसके पूर्व जन्म का संस्कार। इस बोले आर्त आर्त अर्थार्थी, अर्थात मतलब पैसा की लोभ से,
उदाहरण दिया, जैसे ध्रुव महाराज उन्होंने भजन करने के लिए गए, 6 महीना में भगवत प्राप्ति हो गई। कितना में? कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आपत नहीं। लेकिन इनको 6 महीना में भगवत प्राप्ति बोले कैसे हो गया? इसलिए किसी पुराण में आता है जब इनको 6 महीना में भगवत दर्शन मिल गया, पर ध्रुव तो बड़ा अहंकारी अभिमान आ गया, देखो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। अब 6 महीना में नारद बोले, 6 महीना में नारद बोले मेरे साथ में चल, तो समुद्र में ले गए। देखो ये क्या है? बोले ये पहाड़ का हड्डी, पहाड़ का ये हड्डी है। बोले जानते हो ये किसका? पहाड़ी का हड्डी। बोले किसका? बोले तेरा। बोले कैसे? बोले पूर्व जन्म में इतने जन्म तक तुमने भजन की, भजन किया, साधन किया, करते 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 हड्डी पहाड़ हो गया, और इसी जीवन में केवल 6 महीना बाकी था, इसलिए 6 महीना में तेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, 6 महीना में हो गई। इसलिए जब तक पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होना, भजन में तुम्हारे मन नहीं लगेगी। इसलिए कहते अर्थ अर्थार्थी, मतलब ज्ञानी, मतलब ज्ञानी कौन है? कहते यहाँ पर चतुष्ण के लिए बताए इन लोगों ने, कैसे ज्ञानी हैं इनको, जो ये कौन से ज्ञानी? ये साधारण ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। कहते ये जो भगवत संबंध जो ज्ञान है, और प्रश्न जो प्रश्न करते हैं, आरती अर्थार्थी जिज्ञासा, जो जिज्ञासु करते हैं कौन है? जैसे जैसे सोनकाद ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी का प्रश्न किया है, क्यों? बोले जना सुकृति न अर्जुन, इनको पूर्व पूर्व जन्म में इनका सुकृति था, इसलिए उन्होंने भगवत संबंधी प्रश्न किया, नहीं तो भगवत संबंधी प्रश्न नहीं करते। साधु के पास में जाकर के भी ये दुनियादारी की बात करते। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं जो वेद में कहते कोई एकदम बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, क्यों अलग अलग बात बताए? बोले कारण ही कुछ व्यक्ति तो एकदम पूरा मूर्ख है, गज मूर्ख है, लेकिन और कुछ लोग है जो थोड़ी बहुत इसकी भगवत संबंध में थोड़ी बहुत विज्ञान है, ज़्यादा नहीं, कोई थोड़ी बहुत किसको विज्ञान है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति है जो कि गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, सब शास्त्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, इसलिए उनको क्या बताया गया? ये लोग बहुत सारे विषय में पंडित विज्ञान हैं। इसलिए जीव की बुद्धि जैसे होती है शास्त्र में, उसकी प्रति वैसे ही आदेश है। अभी जिसको अलग अलग सबका अधिकार है, इसलिए अलग अलग अधिकार होने का नाते इनको क्या होगा? कहते तो कुछ जीव को बुद्धि जैसे होती है उसको शास्त्र में उसके प्रति वैसे ही आदेश है, इसका नाम कहते हैं अधिकार। अब जिसको जैसे अधिकार वो ऐसे करेगा, इसलिए शास्त्र भी 3 तरह का है। कितने तरह का है? क्या क्या है? हाँ, सात्विक राजसिक तामसिक। आप देखना सभी को सब चीज में रुचि नहीं होगा, देखना कर जिनको सात्विक बुद्धि है, अच्छी बुद्धि सात्विक भावना है, उनको गीता में रुचि होगी, भागवत में रुचि होगी, उसको कृष्ण नाम जपने में रुचि होगा, उसको राम भक्ति करने में इच्छा करेगी, नारायण भक्ति करने की इच्छा करेगी, जिसको सात्विक स्वभाव है। लेकिन जिसका राजसिक स्वभाव हो उसको इस ग्रंथ में रुचि नहीं होगा, और देखेगा कौन सा शास्त्र में भोग, अपना भोग का बारे में बताया गया, क्या करने से अपना भोग वृत्ति बढ़ेगी और भोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तामस की प्रकृति, उनको रुचि होगी तामस ग्रंथ में है, इसलिए जैसे माँ देवी की उपासना, शंकर जी की उपासना, और तामसिक जैसे उच्चाटन मंत्र, उल्टा पुल्टा चीज में उसको रुचि ऐसे ऐसे ग्रंथ में, और ऐसे ऐसे देवता का प्रति भी होगा है, ऐसे ऐसे देवता का प्रति होगा। इसलिए जगत में देखो हमारे भारत में किसको शंकर जी का प्रति रुचि, किसको देवी की प्रति रुचि, किसको ब्रह्मा जी की उपासना में रुचि, किसको विष्णु के चरण में भक्ति करने में रुचि, वह कारण क्या? बोले इनके अधिकार अलग अलग अधिकार है, और जिसको जैसे अधिकार उसको उसी देवादेवी में उसको उसी में ही रुचि होगा। इसलिए शास्त्र में अलग अलग इसलिए बात बताई गई। इसलिए यद्यपि जीवों की संख्या के अनुसार अधिकार अनंत है, हैं जीव अनंत जीव, उनका अनंत अधिकार, जीव अलग अलग संस्कार लेकर के आता है, फिर भी मुख्य मुख्य
फिर भी मुख्य मुख्य लक्षण के अनुसार तीन भाग में विभक्त किया है। यद्यपि अनंत जीव, अनंत अधिकार, अनंत, लेकिन तब भी उसको तीन भाग में, सारे अधिकार को तीन भाग में, कहते एक का कर्म में अधिकार है, और एक का ज्ञान का अधिकार है, और एक का प्रभुति प्रेम में अधिकार है। इसलिए वेद शास्त्र में ऐसे ही त्रिविध अधिकार निर्दिष्ट हुआ। इसलिए वेद में देखना तीन तरह का अधिकार है कि लोगों के लिए, ये कर्म अधिकार, ज्ञान अधिकार और प्रेम अधिकार, तीन अधिकार की बात हुई है। वेद में विधि उनका निर्माण कर इन तीनों अधिकारों के कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय किया। इसलिए कहते हैं ये वेद ने क्या किया, वेद में विधियों के निर्माण करके उन्होंने अधिकारों को कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय किया। इसमें निर्दिष्ट धर्म का नाम वैध धर्म है। मनुष्य जिस प्रवृत्ति से परिचालित होकर के धर्म के ग्रहण कर रहे हैं उससे, उस प्रवृत्ति का नाम वैधि प्रवृत्ति है। इसलिए बताना दो तरह का प्रवृत्ति, एक वैधि प्रवृत्ति और एक रागानुगा प्रवृत्ति। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वैधि प्रवृत्ति है, यदि ये वैधि प्रवृत्ति में कौन अनुरक्त कौन होते हैं, हाँ उससे धर्म। अभी ये वेद को पढ़ करके कुछ अंश में वैध धर्म के ऊपर बताया गया है, कहते धर्म का नाम वैध धर्म है। मनुष्य जिस प्रवृत्ति को द्वारा परिचालित होकर के उसी धर्म को ग्रहण करते उसको प्रवृत्ति का नाम वैधी प्रवृत्ति कहते हैं। जिसमें वैधी प्रवृत्ति नहीं वो नित्यांत अवैधिक, अवैध मनुष्य पाप कर्म में निरत रहते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया, देखो ये काम करने पर अच्छा कर्म है, अगर ये काम करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, जीवन मंगलमय रहेगा। अगर ये कर्म करोगे ना, इसका ये पाप कर्म है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शास्त्र में विधि जो बताया गया, जो विधि को पालन नहीं करके जो अवैध प्रवृत्ति में चलते हैं, ये संपूर्ण पाप प्रवृत्ति है। जैसे भागवत ने बोले भैया चार काम को नहीं करो, मना किया है। क्या चार काम को नहीं करो, बोले जुआ मत खेला, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल करके सर्वनाश हुआ है। इसे देखना कुछ लोग ऐसे हैं, बस कोई काम धाम नहीं, जुआ खेलने में बैठ सट्टा लगाते हैं, बस अपना घर द्वार को फूंक फांक देते हैं। इसे पांडवों ने घर द्वार को फूंक फांक दिया, लास्ट में अपना पत्नी को ही जुआ में बैठा दिया है। और कितने द्रौपदी कितने बेजी दी हुई है। फिर कहते शास्त्र मना करते हैं भैया ये काम मत करो, लेकिन देखना जो दुष्ट लोग बैठ कर वही काम करेंगे हैं। इसलिए कहते दुकम पाना, शास्त्र ने बताया देखो नस्ली वस्तु को मत लिया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं, गंदी चीज़ है। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, इस चीज़ को मत लो, शास्त्र मना करता है। लेकिन कुछ लोग का प्रवृत्ति ना उसमें ही प्रवृत्ति है, उसमें ही प्रवृत्ति है। तीसरा चीज़ क्या बताए, बोले देखो अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, संसार करो, शादी करके पति पत्नी धर्मपूर्वक अपना घर गृहस्थी करो। लेकिन कुछ लोग का उसमें तृप्त नहीं, फिर उल्टा पुल्टा संगत ढूंढते हैं है? फिर उल्टा पुल्टा संगत में उसका रुचि होता है, बगैर शादी किए हुए पराये स्त्रियों के साथ में अवैध रूप में संबंध ग्रहण करती है, पाप प्रवृत्ति है, ये उसको पाप प्रवृत्ति बताया। और जो चौथे चीज बोला तो खबरदार मांस मत खाओ, मछली को मत खाओ, अंडा मत खाओ, प्याज लहसुन को मत खाया करो, शास्त्र में विधि दे दिया ये चीज को। कहते ये शास्त्र का विधियों को जो पालन नहीं करते हैं वो क्या है, कहते ये संपूर्ण रूप में अवैध व्यक्ति। कहते ये इनका हर समय इनके पाप कर्म में ही ये लोग हर समय निरत रहते, लगे हुए रहते हैं। इसलिए उनका जीवन सदा सर्वदा अवैध कर्म भी लगा रहता है, इनका अवैध कर्म में हर समय इनकी जीवन लगी रहती है। ऐसे लोग वेद से बहिर्मुख होते हैं और म्लेच्छ इत्यादि नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कैसे क्या कहते हैं, ये भगवान से बहिर्मुख है और इनको क्या, इनको म्लेच्छ बताया। क्या बताया, ये सब के सब म्लेच्छ है, हैं? इनको नाम क्या बताया है, म्लेच्छ। जो मुसलमान को ना विशेष करके इनको ही ये म्लेच्छ इत्यादि बताया गया है। इसलिए कहते वेद शास्त्र ने जीव त्रिविध अधिकार का निर्णय किया है,
उनका उन्हीं को ऋषियों ने संहिता शास्त्र में विस्तार कर वेदानुगत अन्यान्य शास्त्र को प्रकाशित किया है। ये जो त्रिविध अधिकार की बात शास्त्र में बताया कि उसी को ही ऋषि मुनियों ने संहिता शास्त्र में विस्तार करके वेद का अनुयायी अन्यान्य शास्त्र को उन्होंने ऋषि मुनियों ने प्रकाशित किया। जैसे मनु आदि पंडितों ने 20 धर्म शास्त्र में कर्माधिकार का निर्णय किया है, इसलिए एक ग्रंथ का नाम है मनु संहिता है। मनु संहिता कहती है मनु है, ये मनु महाराज से हम सृष्टि हुए ना, इसलिए हमको मानव बताए, इसलिए उन्होंने जब उनसे ही सृष्टि हुए मानव, इसलिए उन्होंने मानव को संसार में क्या करनी चाहिए, किस रूप में संसार में रहे हमारे घर गृहस्थ अच्छे तरह से चलेगा, हमारे संसार अच्छे तरह से चलेगा, संसार में कोई दुख कष्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरह से अपना संसार का कर्तव्य निभा सकते, इसलिए उन्होंने मनु संहिता ग्रंथ को लिखा। उसी में ही बताया आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेथड पशु में निराना, उसमें ही बताते हैं भैया केवल ये चार काम करके जीवन मत बिताए करो, आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार काम में जीवन मत बिताए करो, ये जीवन बड़े कष्ट से मिला, ये मुक्ति की दरवाजा में पहुंचे हो, ये जीवन पाकर क्या करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये मनु आदि ऋषियों ने ये मनु संहिता आदि 20 धर्म शास्त्र में कहते कर्म अधिकार को वर्णना किया है, लेकिन कुछ कुछ शास्त्र में ज्ञान अधिकार, लेकिन इसको किसने वर्णना किया है, कहते कुछ दार्शनिक उन्होंने तर्क और विचार शास्त्र में ज्ञानाधिकार का विचार किया, कहते कुछ दार्शनिक लोगों ने तर्क और विचार हैं शास्त्र में ज्ञान अधिकार का विचार करते हुए उन लोगों ने कुछ ज्ञान के बारे में बताए। पौराणिकों तथा विशुद्ध तांत्रिकों ने कुछ पुराण और जो विशुद्ध जो तांत्रिकों ने कुछ ऐसे हुए कहते भक्ति तत्व के अधिकारगत उपदेश और क्रियाओं का निर्णय किया, कहते पुराण में और जो विशुद्ध तांत्रिक, विशुद्ध जो तांत्रिक मतलब भक्त है, जो विशुद्ध जो भक्तों ने उन लोगों ने क्या बताए, उन्होंने भक्ति की बारे में उन लोगों ने भक्ति के बारे में बताए, क्रिया पर निर्णय किया, ये सभी वैदिक है। इसलिए कहते इन्होंने जो पुराण में भक्ति के बारे में जैसे श्री नारद भक्ति सूत्र की ग्रंथ है जिसमें भक्ति की ही महिमा जिसमें बताया, भक्ति रेव एव नयति भक्ति रेव एव दर्शयति भक्ति भू पुरुष भक्ति रेव भूयस, इसलिए भगवान की भक्ति करोगे तो यही भक्ति ही भगवान तक ले जाएगा, भक्ति दर्शन कराएगा, भक्ति का ही जगत में महिमा है। इसलिए कहते वहाँ पर उन्होंने ये भक्ति की महिमा को उन लोगों ने के तत्व के अधिकार का तो उपदेश और क्रियाओं का निर्णय किया है, ये सभी वैदिक है, ये सब के सब ये वैदिक है। उन शास्त्रों के नवीन मीमांसकों ने सर्व शास्त्र के तात्पर्य की और दृष्टि नहीं रखकर कहीं कहीं किसी एक अंग की सर्वोत्कृष्ट का वर्णना कर कितने ही लोगों का वितर्क और संदेह गड्ढे में ढकेल दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, गड़बड़ी क्या हुआ है, कुछ कुछ नए नए मीमांसकों ने कुछ कुछ नए नए ऐसे मीमांसक लोग कुछ आए जगत में, इन लोगों ने क्या किया, ये शास्त्र तात्पर्य को नहीं देख करके शास्त्र में अलग अलग अधिकार अलग अलग लोग के लिए बताए इष्ट तर्क में नहीं देखकर कहीं कहीं उन्होंने केवल एक अंग की उत्कृष्टता का वर्णन कर दिया, केवल कर्म करो, कुछ केवल कर्म करो बस, कर्म से कल्याण, कर्म बगैर कल्याण नहीं होगा। अरे लास्ट में तो उदाहरण देते हैं, लास्ट में कृष्ण अर्जुन को तो यही बताए कर्म कर, तू क्षत्रिय हो कर्म कर, कर्म करो इसलिए क्या करो, केवल कर्म करो कुछ नहीं, लेकिन उनको ये नहीं दिखा नहीं गीता में भगवान कर्म किसे कहते हैं, अकर्म विकर्म इसको बारे में जो भगवान ने जो डेफिनेशन दिया है, इसलिए शुद्ध कर्म इसे जो बताया है इसको बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन कृष्ण ने यह भी बताया जत करो से जत स्नासी है, अर्जुन तुम जो कुछ कर किसके लिए करो, मेरे लिए करो, भगवान के लिए अगर कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, बंधन प्राप्त होगा,
और कृष्ण लास्ट में क्या कहते हैं, मन मना भव, ये मन और किसको मत दो, मेरे को दो, मत भक्त भव, भक्त मेरा बन, माम जाजी माम नमस्कुरु, पूजा मेरी और नमस्कार मुझे करो, कृष्ण ये भी तो बताए। लेकिन उधर दृष्टि नहीं देख रहे, केवल उन्होंने कर्म को ऊपर में बांस केवल लक्ष्य के, केवल कर्म कर। और लोग जब ये ग्रंथ पढ़ते ना, अरे भगवान तो बोले कर्म करने के लिए, कर्म ही तो करेंगे, हम तो कर्म कर रहे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हम कर्म कर कर्म में, लेकिन कर्म का जो दुष्परिणाम है इस विषय पर विचार नहीं किया है। श्री नृग महाराज तो कर्म ही किया, कहते ब्राह्मण को तो गैया दान देते, कर्म ही तो करते थे, कितना गैया दान दिया, कहते पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, रेती को रेती कणा को गिन सकते हैं, बारिश का बूंद, लेकिन इनका दान को कोई गिन नहीं सकते हैं, इतना दे। लेकिन क्या हुआ उनको, गिरगिट में क्या हुआ, कर्म तो कर रहे थे, गिरगिट गिरती में नहीं कर, जीव तो कर्म ही कर रहा है ना, फिर ये 84 लक्ष्य दिन में क्यों भटक रहा है, पहले जो कर्म किया कर्म का फल इसी जीवन में कर्म दूसरे जीवन में, तभी तो ये 84 लक्ष्य दिन में हम भटक रहे हैं, हैं। लेकिन कुछ लोगों ने शास्त्र का जो तात्पर्य को नहीं समझ करके बस केवल एक अंग का और ज्ञान, किसने कहा, अरे जब तक ये संसार में रहोगे तब तक ये बंधन प्राप्त होगा, इसलिए क्या करो बस ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को उसमें लीन कर, तो बांस न रहेगा बांस न बजेगी बांस, कहेंगे ये भी बात को उन्होंने ये भी बात को स्थापना कर दिया, कर ये कर एक वर्णना करके कितने लोगों को उन्होंने वितर्क में, और जो लोग कर्मी होता है ना ये इतने तर्क वितर्क करेंगे, अगर कोई भक्त लोग है जो कर्म कर प्रभु, अरे नहीं हम सब नहीं मानते, हम तो कर्मवीर है, हम कर्मवीर, हम कर्म करेंगे, और इनको भक्ति के बारे में समझाओ नहीं समझेंगे, तर्क वितर्क और संदेह का गड्ढे में इन लोगों ने ढकेल दिया, कुछ मीमांसकों ने ऐसे ऐसे लोगों को बुद्धियों को भ्रष्ट किया है। कहते उन शास्त्रों की अपूर्व मीमांसा रूपी गीता शास्त्र को देखने से प्रतीत होता है कि कर्म का उद्देश्य अगर ज्ञान में हो वैसे कर्म का पाषंड तो समझ करके परित्याग करनी चाहिए। इसलिए अगर भगवद गीता जो सर्वशास्त्र का मीमांसक हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है, भगवद गीता, अगर भगवद गीता पढ़ोगे तो वहां पर क्या बताया, देखो अगर ये कर्म तुम्हारे ज्ञान को लक्ष्य नहीं करता है, अगर वो ज्ञान प्रभु की प्रेम को लक्ष्य नहीं करता है वो पाखंडता है, फिर तो उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए क्या, इसलिए तावत कर्माणि कुर्वित न निवृत्तता जावत मत कथा श्रवण दौ श्रद्धा भक्ति ना जाती, तब तक ये कर्म चक्र में फंसे रहोगे जब तक तुम्हारी मेरी भक्ति में मेरी कथा में मेरे प्रेम में तुम्हारी रुचि नहीं होगा तब तक तुम ये कर्म बंधन में पड़े रहोगे। इसलिए गीता शास्त्र अगर पढ़ देखो तो उसमें ये बात को अच्छे तरह से उन्होंने बताए, ये सब का उद्देश्य किस में होनी चाहिए, भगवान की भक्ति में प्राप्त होनी चाहिए, फिर कर्म योग और ज्ञान जो भक्ति के उद्देश्य से न हो तो कर्म और ये ज्ञान दोनों ही पाषंड लगते हैं, कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग वास्तव में एक ही योग है, यही वैदिक वैदिक वैष्णव सिद्धांत है। अगर कर्म अगर ज्ञान को लक्ष्य ज्ञान है तो भक्ति को लक्ष्य नहीं करता है, इसलिए उन्होंने जैसे अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति ऋतमा उसको उत्तम भक्ति बताया, लेकिन इसमें क्या बताया ज्ञान कर्म के द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ज्ञान कर्म को छोड़ दो, उन्होंने ये नहीं बताया ज्ञान कर्मों के द्वारा ये भक्ति ढक नहीं जाए, छोड़ने के लिए नहीं बताया यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर जैसे मंदिर मार्जन करते भी तो कर्म है, ठाकुर के लिए रोसोई बनाते ये भी तो कर्म है कि नहीं, पैसा कमाते ये भी तो कर्म है, अपना शरीर को हम ध्यान रखते ये भी तो कर्म है, सब कर्म है ना, कर्म के बगैर कोई रह सकता है, रह नहीं सकता, इसलिए कृष्ण गीता में कहते श्वास लेना भी कर्म, चलना भी सब कुछ कर्म, मन में सोचना भी कर्म है, सब कुछ कर्म के बगैर एक सेकंड कोई नहीं रह सकता, हम कर्म में ही लगेंगे, लेकिन ये जो कर्म योग है जिसको कहते हैं ये सब के सब एक ही योग नहीं, इसलिए यहाँ पर कर्म जैसे भक्त भी देखना एक साधारण व्यक्ति संसार के लिए करता है, एक भक्तों को देखना उससे भी ज्यादा बिजी है, हमारे श्यामानंद प्रभु को देखो सवेरे कितना बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से पहले उठ जाते हैं,
उठ करके जल्दी जल्दी नहा धो करके हैं, नहा धो करके जल्दी जल्दी ठाकुर जी का आरती करना है, हैं जल्दी नहा धो कर तिलक लगा कर ठाकुर का आरती किया, फिर आरती के बाद में चैन नहीं, ठाकुर को भोग लगाए, भोग लगाए फिर चैन नहीं, ठाकुर का अर्चन करते हैं, अर्चन करे चैन नहीं, ठाकुर को फिर प्रसाद भोग लगा, भोग ये अभी तो दिन भर कर्म कर रहे हैं साधारण, लेकिन ये कर रहे हैं किसके लिए, ठाकुर जी भगवान के लिए कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में हमारे श्रीकांत प्रभु जी दोपहर में फिर भगवान के लिए अलग अलग प्रसाद बनाएंगे, ये भी तो कर्म है। लता दीदी दिन भर तो फुर्सत नहीं, सवेरे सवेरे आकर के फिर किसी रात को 10-11 बजे जाते, फिर सवेरे आ जाते, इसलिए फिर बैठने पर नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर सेवा करते, इसलिए कहते हैं ये सब कर्म है, ये सब कर्म है। लेकिन यहाँ पर बताया ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यहाँ पर ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया, लेकिन इस सब के सब किसके लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए। लेकिन एक व्यक्ति साधारण एक व्यक्ति को देखोगे संसार में भी दिन भर काम करते हैं, नहीं दिन भर, वो भी सुबह 4 बजे उठते होंगे हैं, वो भी अपना घर के सामने झाड़ू देते होंगे, घर के सामने पानी दे करके क्या करते होंगे, धुलाई करते होंगे, सब्जी लाते होंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे बीबी है, मेरे परिवार है, मैं इसलिए बकरी मैं करता इसलिए मरता है, वो मैं लगे हुए होंगे हैं, लेकिन ये देखने के लिए कर्म लगता है, लेकिन उसका फल बंधन है। इसलिए कहते भक्तों का क्रिया और एक साधारण कर्मी की क्रिया बाहर देखने पर एक लगता है, लेकिन उसमें जमीन आकाश फर्क है। ज्ञान को उन्होंने छोड़ने के लिए नहीं बताया, जैसे अभी कथा सुन रही, अभी तो ज्ञान है, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, अभी तत्व है ना, लेकिन ये जो ज्ञान है ये क्या है? अगर कहता है ज्ञान कर्म सही, इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आवृत नहीं हो गए भक्ति को मदद करे तो यही प्रेम है, यही प्रेम है। इसलिए कह रही है ज्ञान कर्म जो ये कोई अलग योग नहीं, एक ही योग है, सब के सब भक्ति को उद्देश्य करे तो ये क्या होता है, यही भगवत चरण की प्राप्ति करा देती है, यही प्राप्त कर देते हैं। कहती ये किसकी सिद्धांत है, ये वैष्णव का सिद्धांत है, हैं कर्म जो ज्ञान जो और ये भक्ति जो कोई एक ही योग है, कोई ये अलग योग नहीं, जब ये भगवान की सेवा में सब के सब लग जाए। ठीक है, मन चाहता हूँ कृपा सुन गई, पावनी भो वैष्णव।